excitement ये प्रभावी कैसा question है क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या है but it's a very good feeling we feel proud that we've come this far और हम चाहते हैं कि आप सबको पसंद आए film and judgment में आ गया Friday Saturday Sunday and you're keeping our fingers crossed yes do support us and please watch the film खुशी हो रही है क्योंकि जो फाइनली हमने इतनी मेहनत की थी वो रंग ला रही है और I guess मैं तो actually इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो मेरी first fan है वो एक 7 साल की लड़की है yes she's a very little girl so it's a good start for me I guess so I just hope the fans keep increasing yes जैसा कि हम अब तक कहते आ रहे हैं प्लीज हमारी मूवी जाके देखिए और हमें एक चांस दीजिए ताकि जो हमने मेहनत की है वो आपको पसंद आए एंड वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट की अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपके पास लेकर आए आपके नज़दीकी सिनेमा लेकर आए तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि हम नए हैं तो शायद मूवी अच्छी नहीं होगी हम आपको But it's a clean family entertainment जो आपके दिल को छुएगी। तो please। तो आज जब आपने इसे सुने कहानी सुनी तो पहला reaction क्या था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं मुझे कोई character की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी? Character की तैयारी तो की। वो obviously as an actor करनी चाहिए हर actor को। लेकिन जब script सुने तो ये नहीं था कि मैं कर पाऊँगा ये था कि मुझे करना है और जब करने की बारी आई तो I got all the support from the producer and the director and a lot of support from the wonderful Jyoti इसमें मेरी बहुत help करी है तो ऐसे ऐसे सबके साथ हमने film बना डाली and एक दूसरे support करके we are very fortunate कि हम इतने supporting हमें को actors मिले like not only we two but हमारे जितने भी senior actors हैं जो भी हमारे पापा मामा बने हैं राजू सर जो हमारे बॉस बने हैं उन सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है हम वैसा ही चाहते कि दर्शक हमें सपोर्ट करें तो यस वी आर सुपर एक्साइटेड बटरफ्लाई इन आवर स्टमक एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट मिक्स इमोशंस नर्वस भी है खुश भी है समझ नहीं आ रहा वेल सच बताएं इम्प्रोवाइजेशन से ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर मिस्टर राज शेट्टी उन्होंने एक एक चीज़ हमारे लिए ना ऐसे कहते ना थाली में परोस के देना हमें ऐसे दिया है कि हम अच्छी भी लगे हमारा अच्छे से कर सकें हमें इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो खुद इम्प्रोवाइज कर देते थे मतलब ही वॉज ऑलवेज देयर ऑन सेट ऑफ सेट हमेशा टू हेल्प अस विद आर कैरेक्टर्स आई गेस हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स कैसे पोर्ट्रे होने चाहिए इतना आसान भी नहीं था इन्होंने क्या किया जो काम इन्होंने किया है ना वो आसान दिख रहा है तो एक्चुअली आसान है नहीं तो वो यही है कि खूब सारी मेहनत की है एंड सही गाइडेंस मिली है डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर की तरफ से एंड इसलिए हम ये कर पाए यस इसीलिए हम बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए और वी रियली रियली वांट टू थैंक आवर प्रोड्यूसर मिस नादिया अली शिराजी एंड आवर डायरेक्टर मिस्टर राज वी शेट्टी फॉर सपोर्टिंग अस एंड फॉर ट्रस्टिंग अस कि हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया तो वी आर वेरी 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 थैंकफुल मोहित आपसे ज़्यादा चाहेंगे आगे की क्या प्लान्स हैं जी आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आगे क्या होगा वो मुझे पता नहीं बट आई एम पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑल आई कैन से इज आई एम हियर एंड आई एम हियर टू स्टे आज बहुत स्पेशल डे है बहुत नर्वसनेस हो रही होगी बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू हैविंग योर माइंड आउट दैट देयर इज मोर टू वॉच ओके Coming from a non-filmy background, I myself am proud of not just my whole team, just everybody who's been part of the film. Coming this far is an achievement in itself. कि इतनी मेहनत करी है and एक unity के साथ हमने काम किया तो हम इतनी दूर तक आ पाए and competition is always very tough. But मैं तो यही मानता हूँ कि इस industry में मैं compete करने नहीं आया हूँ. मैं बस अपनी जगह बना रहा हूँ छोटी सी and अपना काम करना चाहता हूँ as honest as I can be. तो जो भी होता है let's hope दर्शक ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करे एंड मेरे को नहीं इनको भी एक्सेप्ट करे ये भी नहीं है इंडस्ट्री में फिल्म लाइन में हमने तो एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दी है
वो आपको कैमरे में दिख जाएगी, क्योंकि जब कैमरा आके आपको में देखता है, इट सीज योर सोल. Yes. अगर आप झूठ बोल रहे हो दिखाई दे रहा है. और जो जो हमने अंदर फील किया है, ऐसी फिल्म बनाई है उन्होंने हंसते खेलते. बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि जो कंटेंट हम लेके आ रहे हैं विद अ मैसेज, और वो बहुत डिफरेंट है. तो आई गेस बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. इट्स नॉट बिकॉज वो हमारी मूवी है, बट बिकॉज हम उस चीज से रिलेट कर सकते हैं. एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको पता चलेगा कि कैसे इंटरकल्चरल मैरिजेस में भी प्रॉब्लम आती है. और ऐसा नहीं है कि पहले इंटरकल्चरल मैरिज नहीं दिखाए हैं. सबने देखा है सिंपल रॉन्ग को, हमने बहुत पहली बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने पहले कॉन्सेप्ट देखा है कि लड़का लड़की घर जाएगा, लड़की लड़के घर आके शादी से पहले 3 महीने तक मिलेंगे भी नहीं. वो इसलिए क्योंकि एक दूसरा कल्चर समझो, और ये इसलिए क्योंकि हम दोनों के जो फादर्स हैं वो दोस्त बन जाते हैं. तो कॉमन गोल जो है, जो एनिमीज है वो दोस्त बन जाते हैं. टू सेपरेट अस. अब क्या वो सक्सीड करते हैं या नहीं, हमें चलते देखें. बिल्कुल. I'm on top of the world today. It's every producer's dream that all the investments that they've done, it has to reach like towards the end, which is the release. So I'm over the world. I'm nervous. Yes, and my feet are shaking. So past this point, the movie is going to belong to the public. So I just hope they're going to like support our movie and enjoy our movie and walk out of the theater happy. I chose for the company Winds of Change. It was for a reason, and people have seen like production can be changed and the history of film line can be changed. So I'll be doing a lot more movies, and I'm here to stay. Talking about the lead star cast, what do you have to say about Mohit and I think both the lead actors have done a fabulous job. So can you just hold it so that I don't have to bend? Yeah, and I wish both of them good of best of luck. Thank you. बहुत खुशी हुई है. इस फिल्म की मार्केटिंग बड़ी स्ट्रांग है. हम लोगों ने इसका टेलीविजन पे बहुत बड़ा प्रमोशन किया है. इसके साथ साथ डिजिटल पे कई सारी कॉन्टेस्ट हमने रन किए. प्रिंट एड्स बॉम्बे टाइम्स से लेकर मिड डे, सारे अलग अलग जगहों पर काफ़ी बड़ा स्पेंड किया है. मिड डे का आज ये प्रीमियर है, जिसमें हम लोगों ने मार्केटिंग के तौर पर इस फिल्म की विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है. ऑल ओवर इंडिया में इसकी होर्डिंग्स के अलावा टेलीविजन, मीडिया बाइंग, प्रिंट एवरीवेयर, वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल. साथ ही साथ जिस तरीके से इसका रिलीज हम देख रहे हैं पैन इंडिया में, ये चूँकि फिल्म बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब, इन तीनों केंद्रों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रही है, तो इन सारे जगह पर हम बहुत कंफर्टेबल और अच्छे शोज़ की कोशिश कर रहे हैं. तो मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन और उसके साथ साथ शोकेसिंग के तौर पर ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल है. और मुझे लगता है कि इस वीक में जो 4 फिल्में रिलीज हो रही है, 4 हिंदी फिल्में, उसमें से एक ही फिल्म है जो UA है, जो फैमिली के साथ आप देख सकते हो. बाकी सारी फिल्में एडल्ट्स है. तो हम दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि वो बहुत सारी बड़ी तादाद में आकर इस फिल्म को देखें और हिट करें. थैंक यू. एकदम फैमिली ड्रामा है. मुझे ऐसे लग रहा कि मैं अपने घर पे ही मतलब घर पे ही हूँ. एक तो इतना होमली एटमॉस्फेयर है, और बहुत ही निखलस और क्लीन सब्जेक्ट है. तो काफ़ी मज़ा आया. काफ़ी दिनों बाद ऐसे लगा कि बहुत अच्छा काम करने को मिला, अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए मिला, विदाउट बर्डन, विदाउट टेंशन. बेसिकली मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मतलब मराठी कल्चर के बारे में मैं काफ़ी जानती हूँ, तो मेरे लिए इतनी दिक्कत नहीं हुई. सारे टीम के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. एक तो बहुत कंफर्टेबल किया उन्होंने सारे एक्टर्स को, और बहुत पॉजिटिविटी थी सेट पे. और मेरे को एक्टर्स सारे, दर्शन जी हैं, मोहित जी हैं, नीलू जी हैं, ज्योति, मोहित, बड़ा मज़ा आया सबके साथ काम करने. Thank you.
चला, समझ में ही नहीं आया कि फिल्म कब शूटिंग हमने स्टार्ट की और कब ख़त्म हुई। मतलब कहीं चिल्लम चिल्ली नहीं, कहीं बर्डन नहीं, कहीं सीन्स करते समय ऐसे नहीं लगा कि अरे बाप रे बहुत स्ट्रेस आउट होकर हम घर वापस आ रहे हैं। इतना अच्छा माहौल था। ये सारा क्रेडिट जा रहा है और हमारे टीम को, प्रोड्यूसर को एंड डायरेक्टर को कि उन्होंने इतना कम्फर्टेबल हमें। नहीं, मैं ऑडियंस से ज़रूर यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप हमें पसंद करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर इस फिल्म को आप देखिए, आप बहुत इन्जॉय करोगे और फैमिली